नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। गांव पावटा स्थित पाइनवुड इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल द्वारा आयोजित पाइनवुड वॉलीबॉल इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का उद्घाटन आज स्कूल प्रांगण में एनआईटी जोन के डीएसपी विक्रम कपूर ने टॉस करने के बाद खिलाड़ियों को वॉलीबॉल की सर्विस देकर किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता बीएसएनएल के जनरल मैनेजर सतीश चंद्र शर्मा ने की। आज के टूर्नामेंट में कुल 10 मैच हुए। सबसे पहले वॉलीबॉल मुकाबला रावल इंटरनेशनल स्कूल लंगला तथा सैनी स्कूल सेक्टर 62 के बीच हुआ, जिसमें रावल स्कूल ने बाजी मारकर विजय हासिल की, जबकि क्वार्टर फाइनल में एवियन स्कूल सेक्टर 19 की टीम श्रीराम स्कूल को हराकर पहुंची। वहीं विभिन्न स्कूलों के बच्चों के मार्च पास्ट में तकसीला पब्लिक स्कूल सेक्टर 3 ने प्रथम अंक ट्रॉफी जीती। मंच संचालक स्कूल के प्रिंसिपल नरेंद्र परमार ने किया। टूर्नामेंट की शुरुआत बच्चों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना तथा देशभक्ति पर आधारित योगा ड्रिल से हुई। गुजरे थोड़ा सा दिक्कत हमें तो ये आई कि स्कूल का नाम प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं किया हुआ था। दो तीन स्कूल थे जिनका बढ़िया हुआ था, तो मैं वैसे तो सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। ये प्लेयर्स हैं अभी एक्साइटेड है, मूड में है खेलने के, तो इसमें से भी हमें चुनना है। इसलिए तीनों जजेस की कॉमन राय है, फर्स्ट है हमारी तक्षशिला स्कूल की टीम। सर, पाइनवुड इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में आज वॉलीबॉल स्कूल का प्रोग्राम प्रतियोगिता का, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि गेम्स जो हैं ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हैं, और जैसे हम भी जब स्कूलों में पढ़ते रहे हैं तब यही कहा जाता था कि ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो गेम जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आदमी की लाइफ का, तो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और जो स्कूल इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो बच्चों की इस तरह की फैसिलिटी को प्रदान करते हैं। आज हमारे यहाँ पाइनवुड इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल प्रांगण में इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2018 हमने रखा हुआ है, जिसके अंदर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग CBSE और हरियाणा बोर्ड के स्कूलों की टीम आ रही है। अराउंड 50 स्कूलों का हमारे पास जो है पार्टिसिपेशन है आज के दिन, और हमारा जो उद्देश्य है फरीदाबाद में, जिले में, देश में, जैसा प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार का भी प्रयास है खेलों को बढ़ावा देने का, तो हमारा प्रयास यही है
कि हम अपने माध्यम से एजुकेशन के साथ साथ बच्चों का शारीरिक विकास खेलों के माध्यम के साथ भी हम लोग इसमें बच्चों का रुझान भी बढ़ता है और इससे बच्चों का हेल्दी बॉडी भी रहती है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि शहरों के अंदर खेलों का जो सुविधाएं हैं उनका अभाव धीरे धीरे होता जा रहा है। तो हमने अपने यहाँ स्कूल में, क्योंकि हमारे पास दो वॉली के ग्राउंड है, एक फुटबॉल का है, बास्केटबॉल का ग्राउंड हमारे पास है, 200 मीटर रेस ट्रैक है, लॉन टेनिस भी हमारे यहाँ तैयार हो रहा है। तो हमारा कोशिश यही है कि हम लोग मैक्सिमम स्पोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दें, स्पोर्ट्स में बच्चों भाग लें और आने वाले अगले साल में हो सकता है कि हम लोग कबड्डी भी यहाँ स्टार्ट करें। कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी? अराउंड 50 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेंट हैं। कौन कौन से स्कूल हैं इसके अंदर? अपना जो है डीएवी स्कूल्स आ रहे हैं, इसके अंदर एमबीएन स्कूल है, इसके अंदर तक्षशिला स्कूल है, विद्या मंदिर स्कूल है, विद्या निकेतन है। सर, जीतने वाली टीम को क्या दिया जाएगा आप लोगों? जीतने वाली टीम के लिए जितने भी जो विनर्स हैं उनके लिए ट्रॉफी है और स्कूल के लिए एक ट्रॉफी है। आज हमने बेस्ट मार्च पास, अपना तक्षशिला स्कूल को बेस्ट मार्च पास की ट्रॉफी मिली है।